गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद पीवाई पे। बहुत बड़ी अपडेट आ रही है बीसीसीआई की ओर से। शार्दुल ठाकुर, जिनको भारतीय टीम के टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में ऐड किया गया है, और अक्षर पटेल को स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। शार्दुल ठाकुर रिप्लेसेस अक्षर पटेल इन टीम इंडिया वर्ल्ड कप स्क्वाड, ये एक बड़ी अपडेट आ रही है। और टीम इंडिया की जो सिलेक्शन कमेटी है, उन्होंने काफ़ी डिस्कशन के बाद टीम मैनेजमेंट के साथ काफ़ी लंबा डिस्कशन किया, उसके बाद शार्दुल ठाकुर को मेन स्क्वाड में ऐड किया है। ऑलराउंडर अक्षर पटेल, जो कि पहले जो भारतीय टीम ने अनाउंस किया था, बीसीसीआई ने अनाउंस किया था 15 सदस्यीय स्क्वाड, उसमें पार्ट थे अक्षर पटेल, लेकिन अब उनको रिप्लेस कर दिया गया और शार्दुल ठाकुर और अब उस 15 सदस्यीय स्क्वाड का हिस्सा बन गए हैं। तो अब भारतीय टीम 4 पेसर्स हो गए हैं भारतीय टीम के पास स्क्वाड में, जहां पे मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और शार्दुल ठाकुर, तो 4 फ्रंट लाइन पेसर्स हो गए हैं भारतीय टीम के पास। और हार्दिक पंड्या एक मीडियम पेसर ऑलराउंडर भी रहेंगे भारतीय टीम के पास। तो ये भारतीय टीम का एक कॉम्बिनेशन हो गया है। और भारतीय टीम का स्क्वाड हम एक बार वापस फिर से आपको बता दें, जो ये चेंज हुआ है, शार्दुल ठाकुर रिप्लेस कर दिया है उन्होंने अक्षर पटेल को। तो इस चेंज के बाद अब भारतीय टीम का स्क्वाड है, विराट कोहली कैप्टन, रोहित शर्मा वाइस कैप्टन, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत विकेट कीपर, ईशान किशन, हार्दिक पंड्या, रविंद्र जडेजा, राहुल चहर, रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी। भाई स्टैंड बाई प्लेयर्स की बात करते हैं, तो स्टैंड बाई प्लेयर्स में 3 ही प्लेयर रहेंगे, जैसे श्रेयस अय्यर, दीपक चहर और अक्षर पटेल। पहले वहाँ पे शार्दुल ठाकुर थे स्टैंड बाई प्लेयर्स में, लेकिन अब स्टैंड बाई प्लेयर्स में जो अक्षर पटेल आ चुके हैं, क्योंकि उनको मेन स्क्वाड से रिप्लेस कर दिया गया है शार्दुल ठाकुर से। तो अब शार्दुल ठाकुर मेन स्क्वाड में पहुंच चुके हैं और अक्षर पटेल स्टैंड बाई प्लेयर्स में आ गए हैं। और इसी में जब हम आगे बात करते हैं, तो भारतीय टीम का जो दुबई में बायो बबल बनेगा, वहाँ पे कुछ बॉलर्स को भी रोका गया भारतीय टीम को प्रैक्टिस कराने के लिए, नेट बॉलर्स के रूम में उनको रोका गया। तो वो उन बॉलर्स की लिस्ट है, आबेश खान उनमें से हैं, उमरान मलिक, जो कि इस समय भारतीय क्रिकेट में सबसे तेज गति से गेंद डालने वाले गेंदबाज हैं उमरान मलिक, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया इस साल के आईपीएल में, उन्हें भी रोका गया है। हर्षल पटेल, जिनके इस साल 32 विकेट हैं आईपीएल के अंदर, तो उन्हें भी रोका गया है। लुकमन नेरीवाला, जो काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, एक आरसीबी से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी रोका गया। वेंकटेश अय्यर, ये एक हल्का सा मैं कहूँगा, उन्हें रोका तो है जो नेट बॉलर गया, लेकिन आई थिंक उन्हें हार्दिक पंड्या के कवर के तौर पे भी रखा जा रहा है, क्योंकि हार्दिक पंड्या की फिटनेस पे अभी कंटिन्यू सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो वर्ल्ड कप में गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अगर हार्दिक पंड्या वर्ल्ड कप में गेंदबाजी करते हुए नहीं दिखेंगे, तो बिल्कुल वहाँ पर वेंकटेश अय्यर को स्क्वाड में ऐड किया जा सकता है बीसीसीआई की ओर से। लेकिन अगर ऐसा किया जाता है, तो आई थिंक ये एक बहुत ही गलत डिसीजन होगा बीसीसीआई की ओर से। करण शर्मा लेग स्पिनर, उन्हें भी टीम में ऐड किया गया है, जो कि सीएसके के एक बॉलर हैं। शाहबाज अहमद, जो कि आरसीबी के एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, उन्हें भी ऐड किया गया है। और कृष्णप्पा गौतम, जो कि सीएसके के साथ जुड़े हुए हैं एज ए ऑफ स्पिनर। ये थी पूरी अपडेट। शार्दुल ठाकुर को रिप्लेस किया गया है अक्षर पटेल से, और शार्दुल ठाकुर अब भारतीय टीम के मेन टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा हैं, और वो टी20 वर्ल्ड कप में हमें भारतीय टीम के साथ आई थिंक फ्रंट जो मेन जो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 उतरेगी टी20 वर्ल्ड कप में, वहाँ पे भी हमें दिख सकता है कि शार्दुल ठाकुर वहाँ पे हमें खेलते हुए दिखें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमें इस वीडियो का रिव्यू दें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।